तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और ये है मेरा सपोला और मैं हूँ इसकी नागिन। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हम करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज के दिन की शुरुआत हो गई और कुछ ज्यादा ही जल्दी हुई है। रात को 5:30 बजे सोने के बाद हम लोग उठ गए हैं 8:30-9 बजे। 5:30 को रात नहीं कहते, सुबह कहते हैं। हाँ, जो भी है, सुबह 5:30 सोने के बाद हम लोग उठ गए हैं 8:30-9 बजे। बिकॉज जीजू का हुआ है ऑपरेशन और उनको जाना है मिलने के लिए, बिकॉज वो डिस्चार्ज होकर घर आ गए हैं। जीजू ये भी बता दे, वो लोग डर जाएंगे। तो अब जो मेरा छोटा पैकेट बड़ा धमाका है वो भी सो रही है गाड़ी में, बिकॉज ऑब्वियसली बच्चा 5:30 होके 8:30 बजे उठ के नहाया धोया है, तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। हुई तो मेरी भी नहीं है, बट लेट्स सी क्या करना है। एंड अंकित चला रहे हैं गाड़ी और आकाश भी हमारे साथ ही जा रहा है, बिकॉज उसको अब घर जाना है क्योंकि मेरे पापा में एक दूसरा रूप आ गया है जो भयंकर रूप है। वो कह रहे साले घर आ, ऐसे वाला रूप आ गया है उनमें। तो हम इसको रास्ते में करेंगे ड्रॉप, उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रियंका के घर। हम लोग आ गए हैं जीजू के घर उनको देखने के लिए, पेशेंट को। और उनकी ऐसी बीमारी है जो हम आपको बता भी नहीं सकते कि हम क्यों आए हैं। तो ये सीरत है, इसको शेड्स, हेयर बैंड सब लगा के लाए थे, बट इसको तो सब कुछ फेंकना होता है। अंकित क्या बीमारी है जीजू को? तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। वो कोई नहीं बता सकता। चल रे, हेलो करो। हेलो। पापा को क्या हुआ है? वाही, क्या हुआ है पापा को? तो सोच सकते हैं आप कितनी गंभीर समस्या है जो किसी को नहीं पता। आखिरकार इस बीमारी से पर्दाफाश करेगी प्रियंका जो उनकी बीवी है। अभी दिखवाती हूँ आप। तो हमने सबसे पूछ लिया है और सबने मना कर दिया है कि कोई भी इस बीमारी का खुलासा नहीं कर सकता, आखिर बीमारी कौन सी हुई है। तो हम मिलवाते हैं उनकी बीवी से, शायद वो बता पाए क्या बीमारी हुई है। गुप्त रोग है। ये बेचारी नजरें नहीं मिला पा रही किसी से, ऐसा रोग हुआ है उनको। तो देखते हैं इस बीमारी का पता कब और कैसे चलेगा। बस हो गया है टाइम, 3:30 बज गए हैं दोपहर के और हम लोग जा रहे हैं अब घर, बिकॉज मेरी जॉब है। तो बस आज का पूरा दिन तो ऐसा ही हो गया, सुबह जल्दी निकले अब जा रहे हैं। और अब मैं दोबारा सोऊंगी अगले दिन सुबह 4:30-5 बजे। बहुत ज्यादा हेक्टिक है, टेंशन भी हो रही है रात भर कैसे जगूंगी क्योंकि बॉडी बिल्कुल अब सपोर्ट नहीं कर रही काम करने के लिए। एनीवेज करना तो है ही। तो बस इतनी ज़्यादा गर्मी है तो सीरत ने लगा लिए हैं शेड्स अपनी ड्रेस से, मैचिंग येलो येलो। हाय तो कर दो अपने फ्रेंड्स को, जब आए थे तब भी शो रहे थे, आज का कोई ज्ञान ही नहीं दिया आपने किसी को। और बस अभी इतना ही। चलो अंकित कैसा रहा दिन? भैया हालत खराब हो रही, नींद इतनी गंदी आ रही है, 5:30 बजे सोने के बाद सेम यार, बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि बस सो जाऊं, लेकिन गाड़ी भी चलाने का मन नहीं कर रहा, इतनी बुरी हालत है ना, मन कर रहा है यहाँ बस सो जाओ, है ना। चलो मिलते हैं आपको घर जाकर, बाय करो। तो फ्रेंड्स हम लोग घर पहुंच चुके हैं। प्रिया घर आते ही थोड़ा सो गई है क्योंकि उसकी जॉब चालू होने वाली है और मैं भी थक गया हूँ, आज कोई काम था नहीं, सुबह मिलकर आना था, मिला है प्रिया की जीजू को। तो बस अब थोड़ी देर मैं भी सोऊंगा, उसके बाद उठेंगे और देखेंगे आज का आगे का क्या प्लान बनता है अपना। तो मैं जा रहा हूँ एक्चुअली केमिस्ट के पास, मेरे को इसलिए जाना पड़ रहा है, और मैं तो वैसे घर आके सो गया 1 घंटा। प्रिया को सीरत ने सोने भी नहीं दिया क्योंकि उसने गाड़ी में अपनी नींद पूरी कर ली थी। और मैं जा रहा हूँ केमिस्ट के पास इसलिए क्योंकि प्रिया को हो गए हैं टॉन्सिल्स, उसने क्योंकि कल परसों बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाई है, आइस क्यूब खाई है, ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिए हैं, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसके लिए मैं जा रहा हूँ। तो बस दवाई लाता हूँ और फिर सीरत को देखता हूँ क्योंकि प्रिया की जॉब चल रही है। प्रियंका के घर से आ चुके हैं, प्रिया है किचन के अंदर, शाम हो चुकी है। तो प्रिया क्या रेडी किया है भाई, भूख लग रही है यार, और तेरी बहन ने भी कुछ नहीं खिलाया। उसमें क्या खिलाया? पालक पनीर खिलाया, मिक्स रायता खिलाया। तो खाने वाली चीज होती है और क्या होता है? ये क्या बना रही है? ये भी शाम का हल्का सा नाश्ता बना रही हूँ, उत्पम का। और मम्मी आ रही है 5:30 बजे, तो मम्मी के लिए रात में डिनर पे बना है ये कटहल, आटा गूंद के रख दिया है मैंने, और ये बना है
मटर मशरूम। बढ़िया है भाई, बढ़िया है। तो फटाफट यार अपना इवनिंग का थोड़ा खाते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी स्नैक्स वगैरह उधर, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। इवनिंग जो अपना स्नैक्स था वो तैयार हो चुका है और सीरत भी एंजॉय कर रही है। उल्टू क्या कर रही है बिड़ू, क्या कर ले हो आप? ओके, तो कम से कम एक हफ्ते बाद मम्मी आज घर पे आई हैं। वो गए हुए थे लुधियाना, मैंने आपको बताया था मासी की थोड़ी तबीयत थी, खराब थी, तो मम्मी से मिलवा देता हूँ। अब घर वो पहुंच चुकी है। और भाई क्या हाल है? और कैसा रहा एक्सपीरियंस फिर? फर्स्ट क्लास। कितने हफ्ते लगा के आए हो? 8 दिन बाद। ओए ओए, आए तो दादी आ गई। नहीं नहीं दादी आई आज तो कवर बिछवा रहे हैं। सोफा हमारा आजकल ज्यादा खतरनाक हो रहा है, बड़ा खून निकालता है हमारा, बड़ा चूसता है ना भाई। ठीक हो भैया? प्रिया की हो चुकी है जॉब चालू और मम्मी के आते ही, दादी के आते ही देखो इसको मौज होगी, फोन मिल गया हाथ में। सीरत क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? हाँ, तो दादी की आती मौज होगी सीरत की, क्योंकि फोन मिल गया वीडियो देखने के लिए। बड़ी तेज है तू। ने खोला है अपना बैग और सीरत के लिए आई है, मासी ने भिजवाई है ये टॉफियां। टॉफियां मासी ने भिजवाई है और ये ड्रेस मम्मी लेके आई है। ऐसी सेम ड्रेस प्रिया के पास भी इतनी छोटी, ओए दो ड्रेस आई है भाई। सीरत तेरी तो मजे हो गए यार, इतनी सारी ड्रेस है तेरे पास। ये दर्द का तेल लाई और ये दर्द का तेल भी आया भैया, पता नहीं क्या है ये। सब देता है ये दर्द का तेल है, किसी को भी दर्द हो तो इनसे ले सकता है आके। सरसों के तेल में अक दे पत्ते जलाने, वो दूधिया वाले जो पत्ते होते दूध वाले, उन्होंने जलाए स्पेशली घर बैठे। तो भाई यहाँ पे चल रहा है अंकित का बैडमिंटन। ये कह रहे हैं मैं बैडमिंटन खेल के पतला होऊंगा, पर खाना मेरे को सब कुछ है, पिज्जा विज्जा सब खाना है। मैंने भैया को बुलाया इसलिए, मैंने कहा आ जाओ थोड़ी आपकी भी तोंद अंदर करवाऊं, थोड़ी अपनी भी। भैया की कहां है तोंद, तुम्हारी है। बहुत लग रही है भैया ने पेट अंदर कराऊं। हां बाबू, तो हम लोग जा रहे हैं ओम स्वीट। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भैया को लेना था पनीर, और पनीर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया रैकेट से ज्यादा। बैडमिंटन छोड़ते हुए पनीर लेने जा रहे हैं, भाभी का इसका मतलब आया। फटाफट होम स्वीट पहुँचते हैं, पनीर लेते हैं और फिर आप लोगों को वापस मिलते हैं बैडमिंटन खेलते हैं। होम स्वीट्स हम लोग पहुँच गए हैं। कुछ भी नहीं, तो मैं ऊपर आ गया हूँ थका हारा, भूख भी बड़ी तेज लग रही है। प्रिया कुछ बना रही थी खाने के लिए, हाथ इतना दर्द हो गया है। 3-3.5 घंटे मेरे ख्याल से मैं रैकेट खेला हूँ, तो पसीने भी आज बहुत आए हैं। हो सकता है उम्मीद है आने वाले हफ्ते के अंदर बहुत पतला हो जाऊंगा। मैं 2-3 दिन में बहुत पतला होने वाला हूँ। हाँ, पसीना आता है ना, तो पसीना आता, पसीना जितना निकलेगा उतना बंदा पतला होता है। वो वाला नहीं भैया, मेहनत करने वाला, खेलने वाला, पैर अपनी बॉडी को मूव करना या सब कुछ करना। पैरों को मूव ना कर, लत दर्दना शुरू हो जाए तेरी बच्चे। तो प्रिया खाने के लिए कुछ दे नहीं रही, तू भूख इतनी तेज लग रही है, क्या करूँ बता? भूखा सो जाऊँ? सोने का टाइम हो गया, मैं थक गया बहुत ज्यादा। सोने का टाइम हो गया, बहुत मेहनत करके आया हूँ आज। ओ मेहनती बच्चा मेरा, जुग जुग जियो। तो फ्रेंड्स मैं अपनी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, और मम्मी भी आ गई है, हम सब बहुत खुश है। और अब हम देखते हैं कल मम्मी के साथ कहीं पिक्चर देख लें या कहीं मार्केट वगैरह जाने का प्लान बनाते हैं। आप लोगों को भी दिखाएंगे, बहुत खुश है। और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, ये देखो जरा।
2:50 हो गए हैं, इस लड़की बिल्कुल भी सो नहीं रही, उसकी शक्ल से भी नहीं लग रहा कि ये सोएगी, तो बस ठीक है ट्राई करते हैं थोड़ी देर खेलेंगे इसके साथ, बाकी फिर सो जाएंगे। ऐसी बड़ी ऐसी वीडियो के साथ आपको मिलते हैं कल, तब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कुछ ना कुछ जरूर करिए। क्या करना बताओ, क्या करना सबको, यही करना जो ये बोल रही है, डांची करनी है, डांची डांची करके दिखा, डांची करनी है, डांची कैसे करनी है, डांची नहीं आती किसी को भी करनी, डांची बता दो। इसका मन, इसका नहीं चल रहा है, अभी कैमरे के अंदर आ जाए, सीधा फोन के अंदर से निकल जाए, इसको पकड़ा हुआ है, देखो कैसे पकड़ा हुआ दोनों ने, चल किसी कर दे, एक फ्लाइंग किस कर दे, तो यही पे हम व्लॉग एडिट करते हैं, तो कल दोबारा मिलेंगे एक बार नए व्लॉग के अंदर, टिल देन बाय।